नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राज्यसभा में हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की। इसके बाद राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी सरकार के पास विकास के लिए पूरा सिस्टम तैयार है। अनुच्छेद 370 पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए शाह दिन है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने का भारत सरकार का एक तरफा फैसला गैर कानूनी है और असंवैधानिक भी। जम्मू कश्मीर पर भारत का संचालन बल बन जाएगा। साथ ही मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर उठाया गया कदम उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर के आएगा। वे जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकित कर इस क्षेत्र में अधिकार चाहते हैं। भारत कश्मीर के साथ साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में इस दौरान कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए हंगामा किया और आसन के समक्ष धरने पर बैठ गए। इससे पहले सोमवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे की बैठक चली। समझा जा रहा है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। राज्यसभा में अमित शाह द्वारा कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने तथा बिल पेश करने पर कैथल में भी जबरदस्त खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी प्रकार हरियाणा राज्य व देश के अलग अलग राज्यों में सभी जिलों में लोग खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग आतिशबाजी करते मिठाइयाँ बांटते नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खुशी कश्मीरी पंडितों को है, जिनमें से कुछ का कहना है कि आज आज़ादी हमें मिली है। जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से नहीं हटा है अनुच्छेद 370, क्योंकि खंड एक अभी भी कायम है। सुभाष कश्यप, जो कि संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर को लेकर के राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को लेकर के पेश किया है, उसको लेकर के जो खबरें है वो पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से धारा 370 को नहीं हटाया गया है, क्योंकि खंड एक अभी भी कायम है। इस अनुच्छेद 370 को तीन भागों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थायी प्रावधान है, इसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। वहीं अमित शाह के बयान के अनुसार 370 एक बाकायदा कायम है, सिर्फ 370 दो और 370 तीन को हटाया गया है। 370 एक में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों और जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद हटाया गया है और जो धारा हटाई गई है उसमें क्या था? 370 तीन में प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35A के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि आर्टिकल 370 क्या है, जो कि भारत सरकार के आड़े आ रहा था। जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला हुआ था। संसद के पास कानून बनाने के सीमित अधिकार। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, अलग झंडा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि भारत के प्रतीकों यानी जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनका अपमान करने पर किसी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक को कोई सजा का प्रावधान नहीं था और ना ही किसी प्रकार का भारतीय कानून वहाँ पर लागू होता था। लेकिन अब उन लोगों को सचेत रहना होगा जो भारतीय झंडे का अपमान करते थे, जनगणमन और वंदे मातरम जैसे नारों को नहीं लागू करते थे। इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल 5 की बजाय 6 साल का था। इससे न तो वहाँ पर कोई आरक्षण था और न ही न्यूनतम वेतन का कोई कानून। लेकिन अब सब कुछ संभव होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई तो पीडीपी नेता ने संसद में कपड़े फाड़ लिए और जमकर बवाल मचाया। अब हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से बल्कि हर एक राज्य से कोई ना कोई सोशल मीडिया पर नए नए तरह के कमेंट कर रहा है और कोई ट्वीट करके एक जनाब ने ट्वीट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के साथ साथ
और भी बहुत कुछ बदलेगा। और एक एक्टर ने ट्वीट कर कहा है, लिखा है कि कश्मीर में घर खरीदूंगा और बिजनेस भी करूंगा। इस तरह की बहुत सारी टिक्का और टिप्पणियां हैं जो लोग कर रहे हैं, यानी खुशी जाहिर कर रहे हैं लोग। वहीं से ऐलान के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट करके कहा है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। मोदी जी के एंटी माने जाने वाले केजरीवाल ने भी खुद कहा है कि सरकार के इस फैसले से शायद अब कुछ बड़ा उम्मीद है, यानी सरकार कुछ खास करने वाली है। हालांकि शरद पवार ने बयान दिया है कि सरकार को कश्मीर के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार ने पिछले 70 सालों का जो कलंक था हमारे ऊपर वो धो दिया है। धारा 370 35A को हटाकर एक बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके लिए सारा देश उनको बधाई देना चाह रहा है। आज का दिन पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जो मांग 72 वर्षों से जो है संघ आरएसएस जो है करता आ रहा था, भाजपा का जो एक एजेंडा था, आरएसएस का एजेंडा था, वो आज मोदी सरकार ने और अमित शाह ने पूरा कर दिया है। पूरे देश में खुशी की लहर है, पूरा भारत खुशी से झूम रहा है। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज शर्मा। आज क्या सब कुछ हो रहा है? एक ऐतिहासिक दिवस अपना, जब भारत के माथे पर लगा एक कलम जो 1956 में जबरदस्ती दे दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वह एक गले का पास बना हुआ था और हजारों हजार हमारे देश के वीर सैनिक शहीद होते जा रहे थे। उसके ऊपर मोदी जी ने एक तरह बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा प्रहार किया है और देश को करके दिखाया है मोदी है तो मुमकिन है। जब हसमान साहब ने कहा कि 370 है, मैं मानता हूँ हसमान साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं। ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है, शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, संस्कृत और शिक्षित बनाने का अप्रोच जस का तस हमारा बना, कोई परिवर्तन नहीं। मैं उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया, विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी, आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का, किसने किया विभाजन?
किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। वो गलती मगर हमने नहीं की है, गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने। और इतिहास से आप भाग नहीं सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमें इतिहास की दुहाई दे रहे। एक तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया, खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर ऐसा। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। इसको वापिस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद न होती, और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही न। इसलिए मनीष जी, इतिहास हमें मत सिखाइए। मैं बताना चाहता हूं, बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा 600 से ज्यादा रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे। ऐसा प्रॉब्लम ओवैसी जी चले गए, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था, भाई मजलिस में किया था। ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? जो देश विरोधी बात करता था उसको सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था, चार भारत विरोधी बयान दे दो आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता, सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रेट नहीं है। मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मानते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती। इसका रिव्यू कभी नहीं किया जाता, इसका रिव्यू नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष जी, 2000 लोगों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा दी थी उसका हमने रिव्यू किया। उनमें से 919 ऐसे लोग जिनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, वो भारत विरोधी सर्टिफिकेट के कारण सुरक्षा मिली थी, उनकी सुरक्षा को हटाने का काम ये सरकार। पाकिस्तान के चैनल्स दिखाई देते, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते, भारत के अंदर की बातों को इससे तोड़ मरोड़ कर रखा जाता, जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था। इस चैनलों पर रोक कभी नहीं की। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनको अभिनंदन देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के अनऑथोराइज चैनल थे उसका प्रसार है। अदर देन होम मिनिस्टर नाथ गैस को सभापति महोदय, शिवाजी प्लीज बैठे। मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल, जो प्रिंटेड बिल रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा। और चारों पर एक के बाद एक कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है
कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल I have permitted the Home Minister, please. Mahoday, main sankalp prastut karta hoon. In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. Mahoday, it will come to you. One after another, it will come to you, please. Come. Mahoday, main sankalp prastut karta hoon ki ye sadan anuchhed 370(3) ke antargat भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस सरकारी इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश उपनियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर ये सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए।